अगस्त में लेवल 1 और सितंबर में लेवल 2 का परिणाम जारी करने का आश्वासन कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम का परिणाम जल्द जारी करवाने और सितंबर के प्रथम सप्ताह में अध्यापक भर्ती लेवल 2 का परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर कल शुक्रवार को बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। परिणाम को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा, बोले शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करें। भूपेन यादव का ट्वीट, युवा बेरोजगारों के लिए सड़कों पर संघर्ष जारी है। अध्यापक भर्ती लेवल 1 का तत्काल परिणाम जारी करवाने और सितंबर प्रथम सप्ताह में अध्यापक भर्ती लेवल 2 का परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। घेराव के बाद नए अध्यक्ष आलोक राज जी से पुलिस प्रशासन में वार्ता करवाई। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, थर्ड ग्रेड भर्ती का परिणाम कभी भी वेबसाइट पर जारी हो जाएगा, वेबसाइट चेक करते रहिए। अध्यापक भर्ती लेवल 2 के सभी विषयों का परिणाम 20 सितंबर से पहले जारी होने की पूरी संभावना है और आचार संहिता से पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। वहीं अध्यापक भर्ती लेवल 1 का फाइनल परिणाम सोमवार मंगलवार को कभी भी जारी हो जाएगा वेबसाइट पर। शासन सचिव शिक्षा विभाग श्री नवीन जैन IAS से आज शाम सचिवालय में मुलाकात की। नवीन जी जिस भी विभाग में जाते हैं उस विभाग में नवाचार के साथ शानदार कार्य भी करते हैं और अभी शिक्षा विभाग में भी नवाचार का कार्य जारी है और शिक्षा विभाग की भर्तियों को सही समय पर पूरी करवाने और शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता लाने के साथ शिक्षा विभाग को मजबूत करने में लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि अध्यापक स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड PTI भर्तियों को सही समय पर पूरी करवाने के साथ साथ शिक्षा विभाग में नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन परीक्षा, सहायक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कंप्यूटर अनुदेशक और नई रीट पात्रता परीक्षा सहित अन्य भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जल्द से जारी करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इधर फिर से शिक्षा मंत्री BD कल्ला से मुलाकात, नई रीट 2023 को लेकर भूपेन यादव। रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति तथा शिक्षा विभाग की नई भर्ती निकालने और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती का परिणाम जल्द जारी करने की मांग रखी शिक्षा मंत्री BD कल्ला। शिक्षा मंत्री BD कल्ला का बयान, रीट में 4500 पदों की बढ़ोतरी का फैसला वित्त विभाग से बात करके करेंगे। स्टेट ओपन का परिणाम जारी करने के बाद मीडिया को बताया था शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने। 48,000 शिक्षकों को जल्द मिलेगी नियुक्ति, शिक्षा मंत्री BD कल्ला का बड़ा बयान। RPSC सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि, जेंडर के अतिरिक्त प्रविष्टियों में संशोधन का अवसर, RPSC अजमेर। ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क पर प्रक्रिया। राजस्थान के 66,000 से अधिक सरकारी विद्यालय आज रचेंगे इतिहास। गुड टच बैड टच। मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को मिलेगी 2-2 सेट यूनिफॉर्म। मुख्यमंत्री का ट्वीट, 60,00,000 बच्चे स्कूल, 66,000 नया इतिहास रचेगी राजस्थान सरकार। RPSC ऑनलाइन प्रविष्टियों में 28 से करा सकेंगे संशोधन। इधर RPSC फर्स्ट ग्रेड गणित विषय का फाइनल परिणाम जारी। NTPC भर्ती परीक्षा का 5वां पैनल जारी, वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा अवसर, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, संविदा भर्ती, सबसे अधिक नर्सिंग ऑफिसर के लिए 4200 आवेदन मिले, CMHO कार्यालय में स्क्रूटनी शुरू। RPSC सेकंड ग्रेड पंजाबी की काउंसलिंग 31 को जारी, राज्य के कॉलेजों में स्नातक पाठ प्रथम में 25% सीटें बढ़ी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक के साथ वार्ता में नहीं निकला नतीजा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, IMGSU कुलपति ने बताया नए सत्र में कैसे होगी परीक्षा और पढ़ाई, स्वयं पाठ्य की परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होगी, रेगुलर के लिए सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी, सिलेबस व तैयार। PTT 2 वर्षीय BEd अभ्यर्थी अब 30 अगस्त तक जमा करा सकेंगे फीस, राज्य के महिला IIT में प्रवेश 28 अगस्त तक होंगे। खुला विश्वविद्यालय 28 अगस्त को होने वाली परीक्षा स्थगित। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, मातृभाषा स्कूलों का ऐसा मान मर्दन, शिक्षकों की कमी, छात्रों की संख्या भी रह गई आधी। संस्कृत शिक्षा विभाग, जर्जर स्कूल की छत से पानी टपकता, एक कक्षा में 1 से 10 स्टूडेंट से। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, सरकारी स्कूलों में बनेगा न्यूट्रिशियन गार्डन, विद्यार्थियों की उगाई सब्जियों को मिड डे मील के लिए भेजा जाएगा। सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान अभियान का पहला चरण, प्रदेश के 66,000 स्कूलों में 60,00,000 विद्यार्थियों को आज मिलेगी गुड टच बैड टच की जानकारी, भास्कर न्यूज। नए जिलों में बिजली सर्किल कार्यालय 340 नए पद स्वीकृत, राजस्थान पत्रिका न्यूज। ऊर्जा विभाग
नए पदे। पच्चीस हजार प्रधानाध्यापकों को 13 वर्ष से पदोन्नति का इंतजार, श्रीगंगानगर।